नाउ द स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम एक नया टॉपिक करेंगे जो हमारे पास है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उसकी कैपेसिटेंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स। सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं, दो पैरेलल प्लेट कंसिडर करते हैं। ठीक है, प्लेट वन एंड प्लेट टू। प्लेट ए जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और हमने प्रिंसिपल के अंदर क्या पढ़ा कि अगर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस के अंदर जो उसके साथ नियर बाई की जो प्लेट होगी और उसके ऊपर इनर साइड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको अर्थ कंडक्टर कर देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज किस में चला जाएगा? हमारे पास अर्थ के अंदर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्लेट शो कर दी कि एक प्लेट हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव है, और दूसरी प्लेट हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। कितने डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए? डी डिस्टेंस से दोनों को सेपरेट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो क्यू क्या होगा? नेगेटिव। इंडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या होगा? सेम। जो प्लेट हमारे पास है उनका सेफ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है? ए। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मींस इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसकी डायरेक्शंस क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल हमने अप्लाई कर रखा है तो पोटेंशियल कितना होगा? वी पोटेंशियल होगा। नाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होगी? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी होगी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसके चार्ज जो गिवन करेंगे चार्ज कितना होगा? क्यू चार्ज है, सेपरेटेड डिस्टेंस कितना है? डी। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए। पोटेंशियल कितना मिलेगा हमें? वी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी हमारे पास? क्यू अपॉन ए के। ठीक है, बहुत सारे रिलेशन अभी आने वाले इसके अंदर। अब इसी पार्ट के अंदर क्या होगा हमारे पास, जो रीजन इसके अंदर फॉर्मेशन होते हैं कि ये एक लेफ्ट रीजन है, लेफ्ट रीजन ऑफ प्लेट ए, ये राइट रीजन होगा, और ये लेफ्ट रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, और ये राइट रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्लेट का लेफ्ट रीजन है और सेकंड प्लेट का जो राइट रीजन है, देयर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, ये हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो पैरेलल प्लेट्स जो होती हैं उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर थ्री रीजन, रीजन वन, बिटवीन टू, और ये थर्ड रीजन। तीन रीजन यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। तो इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? जीरो। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? जीरो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? इनसाइड द प्लेट। और जब दो प्लेटें हम कंसीडर करते हैं तो उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से रीजन के अंदर होता है? ये रीजन टू रीजन के अंदर होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये पार्ट के अंदर हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट कितना हुआ? ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक रिलेशन की और बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट विद नेगेटिव साइन होता है। तो ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू, वैसे हमारे पास होगा E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो E क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है। नेगेटिव साइन का रोल क्या है कि पोटेंशियल
डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम मोस्टली यूज करेंगे ई इज इक्वल टू वी बाई डी सी, ऐसे यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, नेगेटिव का रोल हमें पता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल पोटेंशियल की बात करते हो तो हम इस प्रकार से यूज करेंगे, देन वी इज इक्वल टू ई इंटू डी के इक्वल। जो वी होगा वो किसके इक्वल होगा, वी इंटू डी के इक्वल। चलो इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं, किस प्रकार से इक्वेशन गिवन करेंगे इसको अगर हम कंसीडर कर लें, इक्वेशन नंबर वन, इसको पार्ट नंबर टू और ये पार्ट नंबर थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वन एंड टू इन थर्ड वी गेट। ठीक है, तो किस प्रकार से रिलेशन मिलेगा, वी इज इक्वल टू ई की वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू मी डी। अब सिग्मा किसके इक्वल है वो भी हमें पढ़ा, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू डी के इक्वल। तो पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, वी इज इक्वल टू क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इससे पहले हमने कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला किया था कि हमारे पास कैपेसिटर जो हमने डिफाइन किया था कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, तो वो क्या था हमारे पास, आप लोग थोड़ा सा आइडिया बता सकते हो। ठीक है, याद करो, मैं बताऊं, चलो क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। चार्ज जितना चार्ज गिवन करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था, सी सी स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस। दोनों को कंपेयर करते तो हमारे पास यहाँ से क्या रिलेशन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा हमारे पास क्यू इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू मी वी। ठीक है, अगर इन दोनों पार्ट को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू मी डी के इक्वल। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू मी डी के इक्वल, ये कैपेसिटेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ये कैपेसिटेंस कब कैलकुलेट करते हैं, जब इन दोनों प्लेट्स के अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एयर होती है इनसाइड द मीडियम। ठीक है, तो इस जब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी पार्ट के अंदर आगे चलते हैं, अगर इन्हीं पैरेलल प्लेट्स के अंदर अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दें, ठीक है, क्या प्लेस कर दें, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, एप्सिलॉन से। तो मीडियम प्लेस करेंगे तो क्या रिलेशन मिलेगा हमें, सी एम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाय में डी। ठीक है, किसके इक्वल होगा, सी एम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाय डी के इक्वल। एक रिलेशन और भी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हमारे पास एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के इक्वल। ठीक है, तो के जो है यहाँ पे क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी टू द मीडियम और टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, दोनों की रेशियो हमारे पास होती है। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे तो सी एम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई में डी। तो इसको के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ऐसे राइट कर सकते हो, और ये पार्ट किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस सी के इक्वल। तो सी एम किसके इक्वल होगा, सी एम इज इक्वल टू के इंटू में सी, सी नोट लिख सकते हो आप इजीली याद करने के लिए, क्या होगा, सी नोट। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो उसके अंदर अगर हम क्या प्लेस कर दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर उसके अंदर हम प्लेस कर देते हैं, तो अगर मीडियम प्लेस कर देंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस पार्ट के अंदर हम इस चीज़ को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस से रिलेटेड हमारे पास था कि कैपेसिटेंस हम किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो के की वैल्यू जो होती है वाटर के लिए कितना होता है, 81। ठीक है, ऑयल के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल अलग होंगे हमारे पास, माइका सीटें अलग होती हैं। ठीक है, जिनके लिए के की वैल्यू 2 to 3 के बीच में होती है। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो उसके अंदर हम क्या रख देंगे, एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, और वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, उस कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास
कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर बिटवीन देम, तो एप्सिलॉन नॉट सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी. इफ वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी या फिर ए एप्सिलॉन बाई डी. डायरेक्ट हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आज के दो टॉपिक थे. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.